आसमान को जमीन ये जरूरी नहीं जमीने इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिले मंजिले। वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम हैंडीकैप डिलीवरी पार्टनर के बारे में बात करने वाले हैं। बिकॉज अगर आपने जोमेटो एंड स्विगी में डिलीवरी पार्टनर्स को देखा होगा तो आपने बहुत सारे ऐसे डिलीवरी पार्टनर को देखा होगा जो हैंडीकैप्ड होते हैं, जो देख नहीं सकते, चल नहीं सकते, फिर भी वो इन सभी सेक्टर में वर्क करते हैं। ऐसे डिलीवरी पार्टनर के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो अगर आपका कोई साथी हैंडीकैप्ड है, वो ज्वाइन करना चाहता है, वर्क करना चाहता है जोमेटो एंड स्विगी में, तो उनको आज की ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। और अगर आप खुद ज्वाइन करना चाहते हो, आप हैंडीकैप्ड हो, ज्वाइन करना चाहते हो जोमेटो एंड स्विगी, तो ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी काम की होने वाली है। बिकॉज इस वीडियो में बताऊँगा कि जोमेटो एंड स्विगी या फिर अदर प्लेटफॉर्म ओला उबर रैपिडो ये सभी जितने भी सेक्टर हैं ये आपके वर्क करने पर्पज़ से क्या सेफ जॉब हैं या फिर नहीं है, इससे बेटर आपको कोई अदर जॉब मिल सकती है कि नहीं मिल सकती, वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर हम बात करें जितने भी हैंडीकैप डिलीवरी पार्टनर होते हैं उनको जो प्रॉब्लम होती है वो नॉर्मली डिलीवरी पार्टनर की जो प्रॉब्लम है उससे काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे कि बहुत सारे राइडर को आपने देखा होगा उनको कस्टमर टिप देते हैं, जैसे आप भी कभी ऑर्डर करते हो तो आप नॉर्मली राइडर को टिप देते हो, तो ऐसे ही हैंडीकैप डिलीवरी पार्टनर को भी जब टिप दी जाती है तो वो बहुत सारे कस्टमर उसको ऑनेस्टली उससे बिहेव करते हैं, अच्छे से बिहेव करते हैं। बट ऐसे भी कस्टमर हैं इन सभी सेक्टर में जो इन राइडर को उतना कुछ समझते नहीं है, वो बिल्कुल समझ लीजिए बिल्कुल थर्ड क्वालिटी का बिहेव करते हैं, इनसे तू तमीज़ से बात करते हैं, गाली से बात करते हैं, तो ऐसे डिलीवरी पार्टनर का भी सामना करना पड़ता है इन हैंडीकैप डिलीवरी पार्टनर को। जैसे नॉर्मली किसी राइडर को ऑर्डर मिला तो वो तो जल्दी उस ऑर्डर को कंप्लीट कर देगा, बट हैंडीकैप डिलीवरी पार्टनर को वो ऑर्डर कंप्लीट करने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा डिले लगता है। इस रीज़न यहाँ पे जो कस्टमर है या फिर रेस्टोरेंट ओनर है ये काफ़ी एंग्री रिएक्ट करते हैं डिलीवरी पार्टनर को। अब जैसे यहाँ पे ये इंसिडेंट मेरे साथ पर्सनली हो चुका है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब जैसे जोमेटो या फिर स्विगी में जब आप ऑर्डर करोगे तो वहाँ पे मेंशन नहीं होता कि जो राइडर आ रहा है वो हैंडीकैप्ड है या फिर जो राइडर आ रहा है वो साइकिलिस्ट है या फिर नहीं है, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। सामने वाला पर्सन जैसे हम कस्टमर हैं हम तो ये समझेंगे कि राइडर को ऑर्डर मिल गया बट वो डिले कर रहा है, वो एक लोकेशन पर बैठा हुआ है, आ नहीं रहा, तो हम एंग्री रिएक्ट करते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। जैसे मेरे साथ ये पर्सनली हुआ है, मैंने एक ऑर्डर किया था वो लगभग 5-6 किलोमीटर की डिस्टेंस पे था और वो ऑर्डर मेरे पास दिखा रहा था लगभग 20-25 मिनट में डिलीवर हो जाएगा, बट उस ऑर्डर को डिले हुआ 40-45 मिनट, ये एक ही हफ्ते पहले की बात है। तो वो राइडर था भाई साइकिलिस्ट राइडर था और हैंडीकैप्ड था, यानी कि उसका एक पैर थोड़ा काम नहीं कर रहा था, तो इसलिए वो साइकिलिस्ट और हैंडीकैप्ड दोनों था, इसलिए उसको प्रॉब्लम हो रही थी। भाई जब मेरे पास जब वो आया है उसको मैं बहुत बार कॉल करा, भाई कहाँ है तू, कहाँ से जल्दी लेके आ ऑर्डर, मेरा ऑर्डर बेकार हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो बहुत जब वो मेरे पास आया है जब उसको मैंने देखा भाई मेरे बिल्कुल शॉक हो गए कि यार बताओ ऐसे बंदे से हम इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, ऐसे हमने बोला है। तो ये चीज़ें अगर आपके साथ अब नहीं भी चाहते तब भी आपके साथ हो रही होगी, क्योंकि यहाँ पे जोमेटो और स्विगी बताते नहीं कि ये सामने वाला पर्सन है क्या या फिर साइकिलिस्ट है या फिर हैंडीकैप्ड है, ये नहीं बता पा रहे हैं या फिर उसमें मेंशन नहीं होता है इनके एप्लीकेशन में, तो इसलिए आपका ये हो सकता है। तो यहाँ पे मेरा हुआ भाई, हमने उससे बहुत माफ़ी मांगी कि भाई सॉरी यार ऐसा हमें नहीं मालूम था, तो बता रहा था कि जिस जोन जैसे हम रहते हैं कल्याणपुर जोन में, वो बंदा समझ लो यशोदा नगर से यहाँ पे वर्क करने आता है एंड उसके बाद यानी साइकिल समझ लो यशोदा नगर से यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे वर्क कर रहा है, तो समझ लो कितना अप एंड डाउन एक हैंडीकैप डिलीवरी पार्टनर। अब ऐसे में बहुत सारे कस्टमर ऐसे भी होते हैं समझ लो जो उस पर हाथ तक उठा देते हैं, गाली से बात करते हैं, तो बहुत ही यहाँ पे फेस करते हैं प्रॉब्लम ये हैंडीकैप डिलीवरी पार्टनर। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि इनको आपकी भीख नहीं चाहिए, जैसे कि बहुत सारे लोग देते हैं कि भैया ये कॉस्मेटिक दुकान है या फिर ये दुकान है, इस दुकान से यहाँ पे ये सिगरेट ले आओ, तम्बाकू ले आओ, हम आपको एक्स्ट्रा 10 रुपीज़ दे देंगे, 20 रुपीज़ दे देंगे टिप, तो उनको ये भीख नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ उनको आपका सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए। बस जब वो आपके पास आए सिर्फ आप मुस्कुरा के उनका हाल सिर्फ पूछ लोगे वो इसी में खुश हो जाएंगे, उनको आप कुछ दो ना दो, पानी दो ना दो, कुछ पूछो चाहे ना पूछो, बस
पास उनको हाल पूछ लो, खुश हो जाएंगे, क्योंकि इन डिलीवरी पार्टनर का पूरे दिन भर में हाल पूछने वाला कोई नहीं रहता है। ऐसी प्रॉब्लम ये फेस करते हैं हैंडीकैप्ड। अब दोस्तों मैं आप सबसे ये बोलना चाहूँगा कि कोई भी डिलीवरी पार्टनर हो, जब किसी भी सेक्टर में वर्क करता हो, आपसे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप कभी उसको फोर्स ना करो अपनी सर्विस कंप्लीट करने के लिए। अगर फोर्स करना ही है तो यहाँ पे आप कंपनी को फोर्स कर सकते हो कि भाई यहाँ पे किस रीजन से यहाँ पे ये डिले हो रहा, बट उस राइडर को डायरेक्टली आप फोर्स ना करो, क्योंकि ऐसे फोर्स में वो ऑर्डर जल्दी लेने की कोशिश करेगा और जल्दी लेने की कोशिश में अगर उसके साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है या फिर उसके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसके जिम्मेदार वो नहीं होगा, आप होगे, क्योंकि आप फोर्स कर रहे हो उस ऑर्डर को जल्दी डिलीवर करने के लिए। तो बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं, जैसे समझ लो ऑर्डर किया नहीं और 2-3 मिनट के बाद ही यहाँ पे राइडर को पंच कसने लगते हैं, कॉल करने लगते हैं। तो इसलिए कभी भी ऐसी सिचुएशन ना करो कि राइडर को उसका माइंड डिस्टर्ब हो या फिर उसको जल्दी ऑर्डर करने के लिए प्रेशराइज हो, तो ये चीज़ कभी उसके सामने ना रखो। और इन राइडर पे कभी तरस खाकर उनको टिप ना दो, कभी तरस खाकर उनको आप पैसे ना दो, सिर्फ और सिर्फ उनको सपोर्ट करो, उनको प्यार दो, उनके अगर जब आए उनका हाल चाल पूछ लो, बस इतने में उनका समझ दिन भर उनका अच्छे से बीत जाएगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको यहाँ पे पता चल चुका होगा कैसे यहाँ पे हैंडीकैप डिलीवरी पार्टनर प्रॉब्लम फेस करते हैं। एंड दिस विल बी लास्ट वन, अगर आप एक हैंडीकैप डिलीवरी पार्टनर हो या फिर आपको कोई दोस्त इनसे सेक्टर में वर्क करना चाहता है एक हैंडीकैप डिलीवरी पार्टनर बन करके, तो मैं बिल्कुल भी इसे सजेस्ट नहीं करूँगा कि इनसे सेक्टर वर्क करो, बिकॉज ये सभी सेक्टर आपके लिए प्रॉब्लम और भी क्रिएट करेंगे, आप उतनी अर्निंग भी नहीं कर पाओगे जितनी ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। बट अगर आपको वर्क करना ही है, एक मजबूरी आपकी बन चुकी है वर्क करना, तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको पार्ट टाइम सिर्फ रिकमेंड करूँगा कि आप जोमेटो स्विगी इन सभी सेक्टर में वर्क कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ पार्ट टाइम 4 से 5 घंटे, बट इससे ज़्यादा आपके लिए बहुत ही हार्मफुल होगा। और आज की इस वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं, बिकॉज ये टॉपिक मेरे पास बहुत समय से आ रहा था, बहुत सारे राइडर कमेंट कर रहे थे इस रिगार्डिंग मैं कवर किया हूँ। आई होप आपको आज की ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, यूजफुल लगी हो। अगर अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल बनाओ, चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि नेक्स्ट वीडियो को बढ़ाए तो सीखा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।